नमस्कार मित्रों, हम पिथौरागढ़ के एक पुराने गांव में हैं। आपको दिखाएंगे यहाँ पहले कैसे लोग रहते थे और कैसे उन्होंने अपने घर बनाए थे। ये दरवाजा है एंट्री। ये तो पोल्यूशन बड़ा, आवागमन हुआ था, आर्मी आई उसकी वजह से। ये क्या रखा है? ये इसमें अनाज वगैरह रखते हैं। अच्छा, और ये ऐसे इसका बना हुआ है और इसको गोबर मिट्टी से लीपा हुआ है। बांस का बना हुआ है? हाँ, मतलब ये ऐसे लकड़ी, नीचे लकड़ी है, ट्रंक रखे हुए बक्से हैं, ऐसे रखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें कुछ भी अनाज वगैरह रख दो। ऊपर का ढक्कन भी होता है। अच्छा, और ये छोटे छोटे दरवाजे हैं जिसमें झुक के जाना होता है। ये हमारी गोडाउन है, इसे कहते हैं बकारी। और इसके अंदर हमारा अनाज भरा रहता है। अच्छा। जो कभी खराब नहीं होता। एक ये है, अगर एक दो साल तक इसमें गेहूं धान पड़े घुन भी नहीं आएगा। एक वो है। अच्छा, ऐसे है तो दीदी इसमें घुन वगैरह नहीं लगेंगे? कुछ नहीं। अच्छा, ये ऊपर दीदी में जैसे स्टोर है ये। हाँ, ये ऊपर भी रख लिया सामान। किस लकड़िया बनाते होंगे ये? यहाँ की जो लकड़ी होती, ये तो पुरानी, किसी का भी बना ले मतलब अपना। ये आवाज का नया जमाना ये है। हाँ, लेकिन इसमें तो खराब हो जाता है। नए जमाने के बाकी ये दो भाकरी लकड़ी। इधर लाइट, यहाँ हमारा मंदिर था, अभी भी है यहाँ पे पूजा करने का। पूजा करना स्थान। ये इसमें दूध दही वगैरह रखेंगे। ये फिर एक दरवाजा, पुरानी लकड़ी है। अब तक फिर ये कमरा है। इनकी कमरे की ऊंचाई 7 फुट होगी, ज्यादा ज्यादा 6 फुट। 7 फुट आदमी की हट के। और दरवाजे 4-4 फुट के। ये देखो, ये लोहे की कढ़ाई पहले जमाने की। हाँ, और ये खिड़कियां हैं। ये बैठा हो गया। हर खिड़की में भगवान जी की तस्वीर है, नकाशी है। पूरी खिड़कियां यहाँ से पूरा बाहर का, नीचे का, कोना की, पीछे सब देख सकते हैं। ये सब खिड़की, ये सब हमारी तिजोरी। सबसे बड़ी बात नकाशी कितना बढ़िया किया गया ना। हर हर उसमें अलग अलग मिलेगा, पूरी खिड़कियों में अलग अलग। चार मंजिला है ना ये? हाँ, तीन। और ये हमारी तिजोरी है। अच्छा, ये तिजोरी हमारी तिजोरी, हमारा बैंक ये है। पहले ऐसे तिजोरी इसमें ताला वगैरह इसी में लगा देते होंगे। ऐसे ही एक तिजोरी वो है। अच्छा, ये वाली है। और ये चार खिड़कियां हैं, चारों खिड़कियों में अलग अलग भगवान जी की बिल्कुल नकाबी की हुई है। और ये है, ये बगल वाले कमरे के लिए। बगल वाले कमरे। हाँ, और ऐसे ही नीचे जाने के लिए हर जगह से नीछे से अंदर से अंदर ही अंदर अंदर दरवाजे हैं। छत को खोलो तो है। और ये सारा नीचे लकड़ी के ऊपर मिट्टी पाथ के बनाया जाता था। हाँ, कोई नीचे प्लास्टर नहीं है। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये आप जो दीवार देख रहे हैं, ये भी 18 इंच की पत्थरों से चुनाई हुई है। और ये 1950 से पहले का ही बना हुआ। दीदी, ये लगभग कौन से सन का बना होगा? ये तो मेरे दादाजी, मतलब ये आजादी से पहले का बना। मेरे पिताजी पैदा नहीं हुए थे। हाँ। तो जब ये घर बनाया तो मेरी दादी, मतलब कई साल लगे होंगे, तो जब मेरी दादी इनको विदा करने लगी ना, तो मिस्त्री लोगों को, तो दादी रोने लगी कि मिस्त्री ओ, इतना बड़ा घर बना गए हो, इसमें रहने वाला तो कोई नहीं है। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर इस घर में 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई, मतलब हमारी बुआ जी, पिताजी और 2 चाचा जी। अच्छा। और ये घर पूरा भर गया। महेश भाई, लाइट का साधन ये होता था। अच्छा, ये आपके दादाजी के टाइम का बना हुआ? दादाजी के। अच्छा। हमारे पिताजी से भी पहले। हाँ, लाइट नहीं थी जब, उनके साधन ये होते थे। अच्छा, ये लाइट। अच्छा, इन पे दिया वगैरह रखा जाता था। ये दरवाजों के दोनों दरवाजों पे दिए रखने का इंतजाम था कि अंधेरा ना। भैया, पानी चूरा है। बंदर होंगे ना, वो पत्थर हिला देते हैं।
जब कोई रहता भी नहीं है तो मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं, मतलब सब मिट्टी और लकड़ी और पत्थर का बना हुआ है इसमें, और उड़द की दाल से चुना हुआ है। वो मंदिर का है, इधर आ जाओ। वो मैंने खिड़की खोल दी। मधुमक्खी पालन भी अंदर ही होता है। हाँ, मधुमक्खी पालन। हाँ, मधुमक्खी पालन ये किचन किचन के पास में मधुमक्खी पालन रहता था, ये वाला मधुमक्खी। ये देखिए रसोई घर, ये मधुमक्खी पालने के लिए हर रसोई घर में मधुमक्खी होती थी पहाड़ों में। ये यहाँ पे लैंप रखते थे। हाँ, ये लैंप रखने का है। हाँ, और ये पूरा इसको गोबर मिट्टी से बंद किया है। इसको अभी जब टाइम होगा तो इसको निकाल देंगे, खाली रखा हुआ है देखो। इसको निकालेंगे, इसमें छत्ते हैं, वो छत्ते से निकाले, ऐसे दो है। अच्छा, आज भी छत्ते है यहाँ? एक ही है, एक ही है, मतलब बाहर से मक्खी आई है। एक छेद है छोटा सा। अच्छा, उससे उस एक छोटे छेद से मक्खी आएंगी, और इस कमरे की गर्मी के चूल्हे के पास में गर्म रहेगा तो यहाँ रहेंगी जिंदा। पहले की बात है, अभी तो ये मतलब लोग अपने साथ साथ मतलब पशु पक्षियों का भी ध्यान रखते थे कि कैसे उन्हें जिंदा रखना, पूरे घरों में उनको गर्म मिल जाए। बाहर पूरे पक्षी और ये चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए ऊपर आकर के इधर है जब बर्फ गिरती थी तो, क्योंकि हाँ जब बर्फ यहाँ तो 5-5 फीट बर्फ जम जाती होगी ना जब ये वो दिख रहा है ना, ये खेत के बाद वो जो वो काले पत्थर वाला, वो 2 मंजिल हमारी गौशाला है। नीचे गैया रहती थी और ऊपर इसमें घास वगैरह रखते थे, अभी भी है। अभी भी आप जो लोग दूध घी कर रहे हो इसी गौशाला का है। अच्छा अच्छा, तो अम्मू आप नीचे से लेके इनको पता खा जाए। नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो नहीं जाते रहने दो। नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, टिकट लगाना है घर में। ये की कमरा ही हुआ है, ये कमरा ही छोटा है। ये भी 6x7 का होगा, इससे बड़े तो होंगे। यहाँ पे खिड़की होती है, मतलब हर खिड़की में हर देवी देवता के अलग अलग बनाए गए थे। डिजाइनिंग तो इतनी अच्छी है, बाहर से देखते रहो बैठ रहो, पूरी हवा का आनंद लो। धूप निकलते हुए और बर्फ गिरने लगती होगी तो बंद कर देते होंगे। पहले तो बहुत बर्फ गिरती थी, दो फुट तक। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे कद्दू की ये दिख रहे ना। अच्छा, ये रसोई होती थी और ये आंगन हुआ पूरा। हाँ, ये बैठ के बहुत बड़ा आंगन था और यहाँ रसोई थी बहुत बड़ी सी। अरे 15-20 लोग। अब तो आप महाराष्ट्र के हो गए? नहीं, अभी भी होते हैं, हमारे पूर्वज भी महाराष्ट्र से आए थे। अच्छा अच्छा, वो लोग भी यहाँ भी आए थे, फिर यहाँ से वही पहुँच गए थे। अमीर भैया रुक जाओ, धीरे धीरे चले। अरे वो गो माता की कृपा बनी है ना, पहला आदमी। हाँ, वो पहले मराठ से आया। निकासी, ये देखिए लकड़ी की सीढ़ियाँ। खिड़की होगी भैया, ऐसी खिड़की खोल देना। और इसमें ये चीज नहीं दिखा हमने ना, ये दरवाजे हैं जो नीचे दरवाजे ऐसे खुलते थे। आटा चक्की देखी है? आटा चक्की देख रहे हैं ये इसका जरा देख लेते हैं। ये देखिए, एक ऊपर के कमरे से नीचे कमरे में जाने के लिए जगह बना हुआ है और ये सीढ़ियां है और ये दरवाजे हुए करते थे बगल में। ऊपर से पल्ला बंद कर दो, इसे दोनों तरफ से बंद होता है, गिरा दो नीचे से भी बंद हो जाएगा, ऊपर से भी कर सकते हैं। 3 मंजिल है। अच्छा, तीनों मंजिल आपस में। अच्छा, ऐसे देखो, मतलब तीनों मंजिल पे यही एक दूसरा अटैच है। हाँ, वो जाम हो गया होगा ना। रखे रोशनी आ जाती है, खिड़की खोल दी पूरी। ये देखिए, हम ये दूसरी मंजिल पे आ गए हैं ना। लक्ष्मी जी, और सारा है वास्तु से बना हुआ है सारा, पूरी बिल्डिंग। और ये पता ही है कितने साल बता रहे आप दादाजी के टाइम में, यानी 180 कम से कम भैया 150-150 साल पुराना है ये देखो। और अभी इसमें आदमी रहना चाहे तो रह सकता है, अब भी चालू है। ये दादी के टाइम पे रहने दो भैया जी, फोटो भी जानते हैं इसमें क्या, इसमें अच्छा सामान रखते होंगे, वहां से डालते रहते होंगे ना, बीच में डाल नीचे उसमें ये आएगा ना, नहीं लकड़ी का जो पेटी में सामान। रहने दो भैया जी, अरे गिर ना जाए। अरे ये कौन सा पत्थर है, बहुत ही जबरदस्त है पत्थर नीचे के तो बहुत। अरे कटिंग देखो अलग किस स्टाइल की, हम लोग तो छेनी से काट के बनाते हैं, वो तो गिर जाता है। और इसमें तो देखो उसके पैरल उसके साथ ही चल रहा है गोलाई में। ऐसा पत्थर बनाने वाले भी आजकल मिलेंगे नहीं। लो एक कमरा है बंद है, कोई बात नहीं, जो खोलेंगे। हम नीचे किधर जाना, नीचे पता नहीं नीचे से। अच्छा, ये नीचे का दरवाजा तो बंद कर रखा है, ये लॉक कर रखा है। अभी आप वहां से जाके ना नीचे से फिर इसकी पूरी बिल्डिंग की बना। हाँ, बढ़िया लगता है।
ये आंगन हो गया है, यहाँ आ जाओ, यहाँ से आटा पतला ज्यादा किया जाता है यहाँ से। अच्छा है ना, देखो ये अरे भाई इधर आना, अरे असली काम तो रहेगा। साइंस तो देखिए पुरानी, आटा आटा यहाँ पर आटा मोटा पतला किया जाता है। देखो नीचे नीचे से कैसे करेंगे, यहाँ से घुमाने का, लाइट घुमाने का, देखो ना ये है ना, ये इनको पूरा घुमाने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो इधर से आता आता पतला, मतलब ऊंचा नीचा कितना करना, हाँ, बस 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 उनको घुमाया जाता है। दाल बनानी है तो मतलब ये चक्की ऊपर तो चलती रहेगी, मतलब उसको मोटा करना है, इसकी जो दोनों गाइड होगी कि दाल दलना है तो उसे घुमा के ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि दाल बनाना है कि आटा पीसना है कि दलिया बनाना है, कमाल की चीज। मतलब एक ही चक्की से हम जैसे उसका दाब देते हैं तो वो नीचे से घुमा के दाब पड़ जाता होगा। मैंने जो बनाई, मतलब ये लोग पुराने लोग तभी तो इतने मजबूत होते थे क्योंकि सब हाथ से करना और प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, मेन चीज कहे तो। और ये देखो कितना हैवी कुंडा दरवाजे का, ये और इसमें जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, दिख नहीं रहा, नहीं होगा बेल्डिंग तो उसमें होती नहीं, नहीं बेल्डिंग तो होती था। वाह ये कुंडा देखो, इसका जोड़ ढूंढना भी मुश्किल लग रहा है कि जुड़ा कहाँ, आजकल के तो उतने बस सरिये होते हैं उसे सीधा कर दो पाइप डाल के ये तो कटने पटने का भी नहीं है, जॉइंट भी नहीं। अरे बाप रे, जितना दरवाजे का वजन होगा उतना इसके ही वजन है, दरवाजा भी तो बहुत हैवी है।